हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। किसके सर सजेगा ताज? फैसला आज हापुड़, पिलखुवा व बाबूगढ़ नगर पंचायत की मतगणना हापुड़ नई मंडी और जिस समय की गढ़ की महेंद्र सिंह डिग्री कॉलेज और सुबह 8 बजे से होगी मतगणना। मतगणना को लेकर प्रशासन ने दिया तैयारियों को अंतिम रूप। अधिकारियों ने किया निरीक्षण हापुड़। पिछले कई दिनों से घमाघमी के बाद शुक्रवार को फैसला हो जाएगा कि नगर निकाय चुनाव और जीत का ताज किसके सिर सजेगा। मतगणना के बाद दोपहर तक विजेताओं के नामों की घोषणा कर दी जाएंगी। मतगणना को लेकर प्रशासन ने हमी सब तैयारियां पूरी कर ली है। जिले की 3 नगर पालिका और 1 नगर पंचायत अध्यक्ष पद के 51 व 101 सदस्य पदों के प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला शुक्रवार को हो जाएगा। हापुड़, पिलखुवा नगर पालिका और बाबूगढ़ नगर पंचायत के प्रत्याशियों की मतगणना नई मंडी परिसर जिस समय की गढ़ नगर पालिका से संबंधित प्रत्याशियों की मतगणना गढ़ और ही महेंद्र सिंह डिग्री कॉलेज और सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। बृहस्पतिवार को प्रशासनिक अधिकारी चुनाव की तैयारियों और जुटे रहे। SDM अजय कुमार श्रीवास्तव, ASP राम मोहन सिंह व CEO राजेश कुमार ने मंडी परिसर और तैयारियों का जायजा लेते हुए कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। ASP राम मोहन सिंह ने सुरक्षा और तैनात जवानों को ब्रीफ किया। शांति व्यवस्था को तैनात रहेंगे मजिस्ट्रेट। मतगणना को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने मतगणना स्थल के अंदर व बाहर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की है। जिला विद्यालय निरीक्षक गजेंद्र सिंह उत्तर गार्डन पर NH बाईपास से गढ़ दिल्ली रोड की ओर तैनात रहेंगे। इसके अलावा जिला कृषि अधिकारी शिव कुमार मंडी परिसर के गेट नंबर 3 के पास तैनात रहेंगे। डिप्टी कलेक्टर सत्य प्रकाश नवीन मंडी के अंदर इनर गार्डन की संपूर्ण व्यवस्था के प्रभारी रहेंगे। जिला कृषि रक्षा अधिकारी सतीश मलिक गेट नंबर 1 तैनात रहेंगे। भूमि संरक्षण अधिकारी सुरेंद्र सिंह गेट नंबर 2 पर तैनात रहेंगे। इसके अलावा सामाजिक वानिकी प्रभाग के प्रभागीय निदेशक भी गेट नंबर 3 पर तैनात रहेंगे। सुरक्षा के कड़े प्रबंध। मतगणना स्थलों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहेंगे। SP हेमंत कुटियाल ने बताया कि नवीन मंडी परिसर और 2 CO, 6 थाना प्रभारी, 3 उप निरीक्षक, 320 कांस्टेबल व 1 कंपनी CRPF की तैनात रहेगी। जिस समय की गढ़ और महेंद्र सिंह डिग्री कॉलेज और 1 CO, 3 थाना प्रभारी, 13 उप निरीक्षक, 86 कांस्टेबल सहित PAC व होमगार्ड के जवान भी तैनात रहेंगे। पहली बार ऑनलाइन बनेंगे जीत के प्रमाण पत्र। चुनाव के बाद विजेता को पहली बार ऑनलाइन जीत का प्रमाण पत्र मिलेगा। वोटिंग के बाद मतगणना का परिणाम तुरंत ऑनलाइन निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसके अलावा विजेता प्रत्याशी के मोबाइल पर जीत का SMS आएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।